हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीफार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी, जिसका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे। दोस्तों, इस पार्ट में जितनी भी बची हुई ड्रग है उनको कंप्लीट कर लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको हम इसी वीडियो में टोटल कवर कर देंगे और चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बहुत जल्दी आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और जो आपका 10 और 11 है उसको भी कंप्लीट करा देंगे और फार्माकोग्नोसी का जो आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, फिर आप PDF डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की हिंदी इंग्लिश मिक्स की ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंटी मलेरियल्स, यानी जो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, वह ड्रग जो मलेरिया को ट्रीट करने में यानी यूज़ की जाती है उनको क्या कहा जाता है? एंटी मलेरियल ड्रग कहा जाता है। इसमें आपकी ड्रग आती है सिंकोना, जिसको कहा जाता है, यानी जिसको जो सिंकोना ड्रग होती है इसका साइनोनियम होते हैं पेरुबियन बार्क और उसके बाद कैलिशाया बार्क, ये आपके हो गए साइनोनियम। फिर सिंकोना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो दोस्तों, सिंकोना इज़ द ड्राइड बार्क ऑफ कल्टिवेटेड ट्री ऑफ, यानी सिंकोना कैलिशाया, तो सिंकोना कैलिशाया से इसको ऑब्टेंड किया जाता है और उसके बाद सिंकोना ससीरुब्रा से इसको ऑब्टेंड किया जाता है और उसके बाद सिंकोना ऑफिसनेलिस से इसको ऑब्टेंड किया जाता है और सिंकोना लेटजेरियाना, यानी ये इसका नाम है, यानी प्लांट का नेम है। तो दोस्तों, इसको 4 टाइप के ट्री से ऑब्टेंड किया जाता है जो सिंकोना होता है। इसकी फैमिली होती है रूबिएशी और उसके बाद इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है दोस्तों, इसमें 25 टाइप के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से एल्कलॉइड हैं सिंकोनिन और उसके बाद सिंकोनिडिन और सिंकोनिशिन। क्यूनिन इसमें प्रेजेंट होता है, क्यूनिनिडिन प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्यूनोलिन प्रेजेंट होता है, क्यूनिशिन आपका प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्यूनिन प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, ये आपके एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, लगभग इसमें 25 टाइप के जो है एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ के हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं। और उसके बाद इसके यूजेस एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, बिटर टॉनिक के रूप में यानी भूख बढ़ाने वाले जो टॉनिक तैयार किए जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, वूपिंग कफ यानी जो सूखी खांसी होती है और उसके बाद सूखी खांसी को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है हाई फीवर, यानी हाई फीवर को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है, एंटी अरेथमिक ड्रग को यानी जो हमारे हृदय की जो रिदम होती है उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है, और उसके बाद एनाल्जेसिक के रूप में मलेरिया के ट्रीटमेंट में सिंकोना ड्रग का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो एंटी मलेरियल वाला टॉपिक है इसमें एक ड्रग और है आपकी आर्टिमिसिया। तो दोस्तों, आर्टिमिसिया ड्रग के साइनोनियम क्या है? देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेंटोनिका इसका साइनोनियम होता है, बॉर्म सीड इसका साइनोनियम होता है और उसके बाद जो आपका आर्टिमिसिया होता है इसको कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, कौन से प्लांट से? आर्टिमिसिया ब्रिविफोलिया, यानी इसको आर्टिमिसिया ब्रिविफोलिया से ऑब्टेंड किया जाता है और एस्टेरेसी इसकी फैमिली होती है आर्टिमिसिया की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, सेंटोनिका में 2 टाइप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो सेंटोनिका होता है उसके अंदर जो है 2 टाइप के क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, एक आपका हो गया सेंटोनिन और उसके बाद एक हो गया आपका आर्टिमिसिन। इसमें वोलेटाइल ऑयल 1 से 2% तक प्रेजेंट होता है और उसके बाद वोलेटाइल ऑयल में शिनियोल पिनिन प्रेजेंट होता है और उसके बाद इसमें चीफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट जो होता है सेनोनिन यानी सेंटोनिन प्रेजेंट होता है आर्टिमिसिया के अंदर। और इसके बाद इसका यूज़ कार्बिनेटिव ड्रग के रूप में, एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में, एंटी पायरेटिक यानी फीवर को ट्रीट करने में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों, बात करते हैं एंटी डिसेंट्रिक के बारे में कि दोस्तों एंटी डिसेंट्रिक में कौन कौन से ड्रग हैं। तो दोस्तों, डिसेंट्रिक क्या होता है? यानी
पेचिश आना, हिंदी में कहा जाता है पेचिश आना, एक प्रकार से डायरिया हो जाना, तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिसेंट्रिक। तो दोस्तों उसको जो ट्रीट करती हैं उनको एंटी डिसेंट्रिक ड्रग कहा जाता है। तो इसमें आपकी ड्रग होती है इपकाकुआना। तो इपकाकुआना के जो आपके साइनोनियम होते हैं, इसमें लिखा हुआ है इपिकाक रेडिक्स इपकाकुआना, ये इसके हो गए साइनोनियम। और उसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राइड राइजोम एंड रूट ऑफ सिफेलिस, जो सिफेलिस इपकाकुआना का प्लांट होता है उसके राइजोम और रूट से इसको ऑब्टेंड किया जाता है इपकाकुआना को। और इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। और इसके जो जियोग्राफिकल सोर्स होते हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, यानी ब्राज़ील में इसका पाया जाता है इपकाकुआना। और उसके बाद जो आपका इंडिया के अंदर भी इपकाकुआना पाया जाता है, यानी जियोग्राफिकल सोर्स में, यानी जहाँ जहाँ आपका इपकाकुआना पाया जाता है वहाँ पर इसको लिखना होता है। तो इसमें हमने लिखा है सिफेलिस इपकाकुआना को रियो और ब्राज़ीलियन इपकाक के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्राज़ील में पाया जाता है। और उसके बाद सिफेलिस एक्यूमिनाटा को पेनेमा के नाम से जाना जाता है, यानी पेनेमा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये पेनेमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जियोग्राफिकल ये हो गया सोर्स। और उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है, देखिए इपकाकुआना में लगभग 2 से 2.5% तक एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। इसमें मेन एल्कलॉइड जो होता है फिनोलिक एल्कलॉइड, सिपेलिन पाया जाता है, इमेटिन पाया जाता है, उसके बाद साइकोट्रिन पाया जाता है। और इसमें इपकाकुआनिक एसिड और उसके बाद फाइटोस्टेरॉल, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है इपकाकुआना में। तो इसका यूज डिसेंट्रिक के रूप में किया जाता है, डिसेंट्री को ट्रीट करने में, यानी पेचिश को ट्रीट करने में, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, और उसके बाद इमेटिक यानी वोमिटिंग के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, वोमिटिंग को ट्रीट करने में, और इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन, अगर इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो दोस्तों उसको भी ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं, आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिया गया है टॉपिक विटामिन्स। तो दोस्तों विटामिन्स आर नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल एंड नोन एज ए इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन बींग। तो दोस्तों विटामिन वाले टॉपिक को हमने सोशल फार्मेसी में कंप्लीट किया। अगर आपको फैट सोल्युबल विटामिन नहीं पता है कि फैट सोल्युबल विटामिन कौन कौन सी होते हैं, उनके बारे में पता करना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो सोशल फार्मेसी के 3rd चैप्टर में हमने इसको पढ़ाया है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और वाटर सोल्युबल विटामिन को भी पढ़ाया है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है फैट सोल्युबल विटामिन आपकी ADEK, जिसको कीड़ा कहा जाता है, सॉल्ट यानी ट्रिक होती है, और वाटर सोल्युबल BOC। विटामिन नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल यानी जानवरों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से प्राप्त की जाती हैं विटामिन्स, और कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी बनती हैं विटामिन्स। ये विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दोस्तों विटामिन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सार्क लीवर ऑयल। तो सार्क लीवर ऑयल का यानी साइनोनियम का होता है, तो दोस्तों ओलियम सेलेकॉइड्स, तो ये इसका होता है साइनोनियम। और उसके बाद सार्क लीवर ऑयल इज फिक्स ऑयल ऑब्टेंड फ्रॉम द लीवर ऑफ हाइपोप्रियोन, जो हाइपोप्रियोन आपका बेबरी स्ट्रिस होता है वहाँ से इसको ऑब्टेंड किया जाता है सार्क लीवर ऑयल को। और उसके बाद कारचार हिंडे यानी आप इसकी स्पेलिंग को सही से याद करेंगे, एग्जाम में सही से लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी फैमिली को याद रखना है, कारचार हिंडे इसकी फैमिली होती है। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, सार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, इसमें विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, ओलिक एसिड हो गया और लिनोलिक एसिड, यह इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आप इसके थेराप्यूटिक यूजेज लिख सकते हैं, हमने बहुत थेराप्यूटिक यूजेज इसके लिखे हुए हैं, जैसे मल्टी विटामिन के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है सार्क लीवर ऑयल, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। और उसके बाद इसका जो आपका सार्क लीवर ऑयल होता है विटामिन ए का सोर्स होता है, इसलिए इसका यूज़ नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी को ठीक करने में किया जाता है, बर्न के ट्रीटमेंट में यानी कोई पर्सन अगर जल जाता है तो दोस्तों उसको ठीक करने में, लोशन एंड क्रीम को यानी प्रिपेयर करने में इसका यूज़ किया जाता है, विटामिन ए डिफिशेंसी में सार्क लीवर ऑयल का यूज़ किया जाता है, विटामिन डी डिफिशेंसी में सार्क लीवर ऑयल का यूज़ किया जाता है। साथ में आप पढ़ेंगे कॉड लीवर ऑयल। तो दोस्तों कॉड लीवर ऑयल के बारे में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसके साइनोनियम ओलियम मोरी,
यानी ओलियम मोरिस का कोल्ड लीवर ऑयल का होता है साइनोनियम, और बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ कॉड, कॉड फिश जो होती है उसके लीवर से जो ऑब्टेंड होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉड लीवर ऑयल। और उसके बाद जो ऊपर वाली जो ड्रग थी आपकी सार्क, जो सार्क मछली होती है उसके लीवर से ऑब्टेंड होती है। तो दोस्तों इसीलिए आपकी ये विटामिन, इनसे हमें विटामिन प्राप्त होती हैं, तो यही आपको पढ़ना है। तो कॉड लीवर ऑयल का ओलियम मोरी साइनोनियम होता है बायोलॉजिकल सोर्स, यानी इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ कॉड फिश, जो आपकी गेडुअस मोरुआ होती है, जो गेडुअस मोरुआ फिश होती है उसके लीवर से ऑब्टेंड की जाती है, यानी कॉड लीवर ऑयल ऑब्टेंड किया जाता है, उसकी प्रजाति होती है तो वहाँ से कॉड लीवर ऑयल को ऑब्टेंड किया जाता है। और इसकी फैमिली गडीडे इसकी फैमिली होती है जो कॉड लीवर ऑयल होता है। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट यानी द मेडिकल वैल्यू ऑफ ऑयल ड्यू टू विटामिन ए एंड विटामिन डी, इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है। कॉड लीवर ऑयल में ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, गैडोलिक एसिड, पालमिटिक एसिड एंड अदर एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड वाला भी बना हुआ है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला भी बनाना है। तो टीबी के ट्रीटमेंट में कॉड लीवर ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीटोसिस के बारे में। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिस ऐसी ड्रग होती हैं जिनका यूज़ प्रेगनेंसी में यूट्रीन की स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी जो प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं उनके जो यूट्रीन में स्मूथ मसल होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में इनका यूज़ किया जाता है, इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। इनके एग्जाम्पल लिखे हमने प्रोस्टाग्लैंडिन अर्गोट एल्केलॉइड्स। तो इसमें आपको ड्रग पढ़नी है, आपके सिलेबस में एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्रग का अर्गोट। तो अर्गोट के साइनोनियम क्या होते हैं, अर्गोटा फ्राई अर्गोटा, ये इसके होते हैं साइनोनियम। और उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या लिखा हुआ है, अर्गोट इज़ अ ड्राइव्ड स्क्लेरोटियम यानी स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परपुरिया टेलेसन, ये इसका होता है बायोलॉजिकल सोर्स। और उसके बाद फैमिली कैल्विसिपिटेसी इसकी फैमिली होती है जो अर्गोट होता है। और उसके बाद इसमें लिखे हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, वाटर सोलबल एल्केलॉइड इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे अर्गोमेट्रिन हो गया, अर्गोमेट्रिनिन हो गया। और उसके बाद वाटर इनसोलबल एल्केलॉइड जैसे अर्गोटामिन हो गया, अर्गोटामिनिन हो गया, अर्गोसाइन हो गया, अर्गोसाइनिन हो गया। और उसके बाद अर्गोक्रिप्टिन हो गया, अर्गोक्रिप्टिनिन हो गया। ये इसमें वाटर इनसोलबल कुछ एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं, कुछ वाटर सोलबल एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं। और इनका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, जैसे माइग्रेन को ट्रीट करने में, एनाल्जेसिक में, ऑक्सीटोसिस के रूप में, प्रिवेंट हीमोरेज, हीमोरेज को ट्रीट करने में, और उसके बाद ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, यानी जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उसको भी यानी ट्रीट करने में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, जो अर्गोट होती है ड्रग। फिर बात करते हैं एंजाइम, आपके सिलेबस में एंजाइम वाला भी टॉपिक दिया गया है। तो एंजाइम को डिफाइन करते हैं, एंजाइम एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की दर को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको ये इंक्रीज़ करने का बर करते हैं, जिनको एंजाइम कहा जाता है। और इनके एग्जांपल लिखा हमने पेप्सिन। तो दोस्तों इसमें एंजाइम के रूप में पपाया ड्रग दी गई है, तो पपाया का साइनोनियम क्या होता है, ट्रोमासिन हो गया, पेपेन हो गया, वेजिटेबल पेप्सिन हो गया। और उसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, पपाया इज ऑब्टेंड फ्रॉम कैरिका पपाया, यानी पपाया को कैरिका पपाया से ऑब्टेंड किया जाता है। फैमिली इसकी क्या होती है, कैरिकेसी, ये इसकी होती है फैमिली। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, फैट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन लगभग जो है इसमें प्रेजेंट होता है, यानी 15 से 5% इसमें लिखा हुआ है, 5 से 15% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड भी पपाया में प्रेजेंट होते हैं, पेपेन इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है। और उसके बाद पपाया प्रोटीनेज यानी एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और उसके बाद साइमोपेपेन प्रेजेंट होता है, स्यूडोकार्पेन प्रेजेंट होता है पपाया के अंदर, ये इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, प्रिवेंट बाउंड्स यानी घाव को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में, लीवर टॉनिक के रूप में, और उसके बाद कफ के ट्रीटमेंट में,
यानी खांसी को ठीक करने में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एंटी एलर्जिक के रूप में भी पपाया का यूज़ किया जाता है। और एंजाइम के अंदर आपका एंजाइम आता है ईस्ट, तो ईस्ट के साइनोनियम है ब्रीवर ईस्ट हो गया, बेकर ईस्ट हो गया, ये आपके होते हैं साइनोनियम ईस्ट के। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या लिखा हुआ है, देखिए ईस्ट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर फंगाई, यानी ईस्ट जो होता है वह यूनिसेलुलर फंगाई के द्वारा ऑब्टेंड किया जाता है। इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सैक्रोमाइसी सेटेबाइसी, जो सेरेब्रेसी, सैक्रोमाइसी सेरेब्रेसी से ईस्ट को ऑब्टेंड किया जाता है, यानी ये यूनिसेलुलर फंगाई होता है, फंगाई से ईस्ट को ऑब्टेंड किया जाता है। और उसके बाद इसकी फैमिली होती है सैक्रोमाइसीटेसी, ये होती है ईस्ट की फैमिली। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट में मेजर कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट होंगे और माइनर कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट में। तो मेजर कौन से हो गए, देखिए एंजाइम सच एज जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, माल्टोज डाइस्टेज, ये एंजाइम ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइनर कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप इंक्लूडिंग, यानी ईस्ट के अंदर अधिक मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12। इसमें निकोटिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं ईस्ट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट में। और यूजेज में क्या लिखना है, एज ए सोर्स ऑफ विटामिन बी, यह विटामिन बी का सोर्स होता है। ब्रेड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, अल्कोहल एंड बियर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो आपके ईस्ट होते हैं एंजाइम के रूप में, तो दोस्तों ये आपके प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। डाइटिक प्रिपरेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है, यानी जो जिम वाले जो पाउडर होते हैं, यानी जो जिम करते हैं जो पाउडर खरीदते हैं प्रोटीन खरीदते हैं, तो दोस्तों उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं डाइस्टेज, तो डाइस्टेज के साइनोनियम क्या है, डाइस्टेज ऑफ माल्ट, माल्टिन हो गया, अमाइलेज हो गया, ये इसके हो गए साइनोनियम। और उसके बाद ये जो आपका डाइस्टेज होता है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, माल्ट एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राइड ब्रेवली ग्रेन्स ऑफ होर्डियम बल्गेयर, यानी इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, होर्डियम बल्गेयर से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। और फैमिली इसकी होती है ग्रेमिने, ग्रेमिने डाइस्टेज की फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, इसमें डेक्स्ट्रीन पाया जाता है, माल्टोज, ग्लूकोज, इन्वर्टेज, जाइमेज, सेलुलोज, ये इसके अंदर पाए जाते हैं डाइस्टेज के अंदर। तो यूज़ इसका क्या होता है, डाइजेस्टेंट यानी डाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, बल्क पाउडर के रूप में आपका जो डाइस्टेज होता है इसका यूज़ किया जाता है, लैक्सेटिव के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर एंजाइम में आपका टॉपिक आता है पैनक्रिएटिन, तो पैनक्रिएटिन के बारे में आपको पढ़ना है कि पैनक्रिएटिन क्या होता है। तो पैनक्रिएटिन का साइनोनियम होता है जायफर होता है, जायफर होता है पैनक्रिएटिन का साइनोनियम। और उसके बाद पैनक्रिएटिक एंजाइम होता है, ये उसके होते हैं साइनोनियम। और उसके बाद सोर्स क्या होता है, पैनक्रियाज ऑफ एनिमल, एग्जांपल हो गया पिग और ऑक्स, जो पिग और ऑक्स होता है उसके पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिन ऑब्टेंड किया जाता है। और इसकी टू फैमिली होती हैं, एक होती है सुइडे और एक होती है बॉबिडे। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, जो पैनक्रिएटिन होता है इज मेड अप ऑफ द पैनक्रिएटिक एंजाइम ट्राइप्सिन एमाइलेज लाइपेज, इसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और इसके यूजेस क्या होते हैं, पैनक्रिएटिक कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, इंटेस्टाइनल सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है, अगर इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी की जाती है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। इट प्रमोट हेल्दी वेट गेन एंड मेंटेन हेल्दी वेट, यानी वजन को मेंटेन करने में, वजन को बढ़ाने में ये जो पैनक्रिएटिक होता है एंजाइम, इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों ये टॉपिक आपने पढ़ा एंजाइम वाला, और जितनी भी हम ड्रग आपको पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में अच्छे से बता रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एड के बारे में, कि दोस्तों फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं, इसमें क्या क्या एग्जांपल दिए गए, इनके बारे में बात करेंगे।
तो फार्मास्यूटिकल एड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हमारी बॉडी पर बहुत कम या ना के बराबर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल डोजेस या कोई भी मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यानी कोई भी डोजेस फॉर्म तैयार की जाती है, उसको फ्लेवर लाने में, उसको कलर करने में, या उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इम्प्रूव करने में इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इनका जो हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट होता है ये बहुत कम होता है। तो यही हमने लिखा है कि फार्मास्यूटिकल एड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हमारी बॉडी पर बहुत कम या ना के बराबर फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, यानी साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जो तैयार की जाती हैं, जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके एग्जाम्पल में हमने ड्रग लिखी है 20 बैग्स, जिसका साइनोनियम है एलो 20 बैग्स, वाइट 20 बैग्स और मोम इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? 20 बैग्स इज द प्योरीफाइड बैग्स ऑब्टेंड फ्रॉम द हनीकॉम्ब। यानी 20 बैग्स को मधुमक्खी के छत्ते से ऑब्टेंड किया जाता है। और कौन सी मधुमक्खी से ऑब्टेंड किया जाता है? एपिस मेलिफेरा, जो मधुमक्खी होती है एपिस मेलिफेरा, उससे इसको ऑब्टेंड किया जाता है। और एपिडा इसकी होती है फैमिली। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, इसमें 80% तक माइरिशीन प्रेजेंट होता है और लगभग 15% तक सेरोटिक एसिड प्रेजेंट होता है। और उसके बाद इसमें जो है मेलिसिक एसिड, और उसके बाद क्रियोलिन, जो क्रियोलिन होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है, वह प्रेजेंट होता है। और इसमें अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें एरोमेटिक सब्सटेंस जो होता है मेलिसिल सिट्रेट होता है, तो भाई प्रेजेंट होता है इसमें। और उसके बाद दोस्तों, इसके थेरापेटिक यूजेस क्या हो गए? तो दोस्तों, इट इज़ यूज्ड इन ऑइंटमेंट, यानी मलहम को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद यूज्ड इन प्रिपरेशन कॉस्मेटिक, कैंडल, पॉलिश। तो दोस्तों, पॉलिश को तैयार करने में, कॉस्मेटिक को, कैंडल को तैयार करने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ पैराफिन ऑइंटमेंट, यानी पैराफिन जो ऑइंटमेंट तैयार किया जाता है उसमें इसका यूज़ इंग्रेडिएंट के रूप में भी किया जाता है। फिर बात करते हैं अगार के बारे में। अगार का साइनोनियम होता है अगार अगार हो गया, वेजिटेबल जिलेटिन हो गया, जापान अगार हो गया। और उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है अगार का? इट इज़ आल्सो ऑब्टेंड एज द ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस फ्रॉम जेलिडियम। जेलिडियम अमानसी से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। और जेलिडियसी इसकी होती है फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट इसमें क्या प्रेजेंट होता है? देखिए, इट कंटेंस टू डिफरेंट पॉलीसेक्राइड, जिसमें इसमें आता है एगोरेस, और उसके बाद एगोरेस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इट कंटेंट सेलुलस एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, इसके अंदर सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन, जो कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, वह सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। बल्क लैक्सेटिव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगार का यूज़ जो है सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, यानी किसी केमिकल से कोई भी पार्ट को सस्पेंड करने के लिए, हटाने के लिए अगार का यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं अकेशिया, जिसको कहा जाता है बबूल। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट ड्रग है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। गम अकेशिया इसका साइनोनियम, उसके बाद गम अरेबिका इसका साइनोनियम होता है, इंडियन गम इसका साइनोनियम होता है। और बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अकेशिया अरेबिका। यानी अकेशिया अरेबिका का जो प्लांट होता है उसके, यानी स्टेम और ब्रांच से इसको प्राप्त किया जाता है। यानी जो ब्रांचेज होती हैं और जो तने होते हैं वहाँ से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। और इसकी फैमिली होती है लेगुमिनोसी, ये इसकी होती है फैमिली। और फिर बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट होता है, तो आपको कुछ पॉइंट पढ़ लेने हैं जिससे जो है आप इसको एग्ज़ाम के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में लिख पाएंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, पहला पॉइंट आप याद कर लेंगे। अकेशिया में अरेबिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, ये याद कर लेंगे। अरेबिन यानी अरेबिक एसिड का कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट प्रेजेंट होता है।
और उसके बाद इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका पेरोक्सीडेज हो गया, और उसके बाद ऑक्सीडेज डाइस्टेज, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और अरेबिन जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, अरेबिन को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो अरेबिन को एसिड की प्रेजेंट में इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, तो अल जो आपका एल रेमनोस प्रेजेंट होगा यानी प्राप्त होगा, एल अरेबिनोस प्राप्त होता है, डी गैलेक्टोस प्राप्त होता है, एल डी बिनोइक एसिड प्राप्त होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एल डी बिनोइक एसिड पाया जाता है, डी गैलेक्टोस पाया जाता है, एल अरेबिनोस पाया जाता है, तो ये इसका हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट। फिर बात करते हैं यूजेस के बारे में, तो इसमें लिखा हुआ है इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में, यानी इमल्सन बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इमल्सन क्या होता है, बाटर और ऑयल का यानी मिक्सर होता है जिसको इमल्सन कहा जाता है। सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, बाइंडिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, इट इज़ इसेंशियल फार्मास्यूटिकल एड, यह आपका जो है इसेंशियल ज़रूरी फार्मास्यूटिकल एड होता है आपका जो अकेसिया होता है। फिर बात करते हैं ट्रेगाकांत के बारे में, तो दोस्तों ट्रेगाकांत के साइनोनियम क्या होते हैं, गम ट्रेगाकांत, गम ड्रैगन, ये इसके होते हैं साइनोनियम। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों ट्रेगाकांत इज ए ड्राइड गमी एक्सुडेट ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ एस्ट्रागेलस, जो होता है एस्ट्रागेलस गुमीफर लेवल से ऑब्टेंड किया जाता है इसको, और इसकी फैमिली होती है लेगुमिनोसी, तो इसकी फैमिली हो गई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या होते हैं, देखिए दोस्तों इट कंटेंट टू कंपोनेंट, वाटर सोलबल कंपोनेंट एंड वाटर इनसोलबल कंपोनेंट, यानी इसके अंदर वाटर सोलबल भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, वाटर इनसोलबल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर सोलबल में आ जाता है ट्रेगाकांथिक एसिड हो गया, अरेबिनोस हो गया, और उसके बाद गैलेक्टोरोनिक एसिड हो गया, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वाटर सोलबल कंपाउंड। और वाटर इनसोलबल में आपका बेसोरिन आ जाता है, और अदर कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट होते हैं जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज एंड वाटर हो गया, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजेस क्या है, कफ के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट डायरिया, यानी डायरिया को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज एन इसमें फार्मास्यूटिकल एड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, लोशन बनाने में यूज़ किया जाता है, शीघ्र पतन से बचाता है, और असंयम टॉयलेट के ट्रीटमेंट में, यानी कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों को ये ऐसी बीमारी हो जाती है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा तेज़ टॉयलेट लगती है, तो उसको ठीक करने में भी इसका ट्रेगाकांत का यूज़ किया जाता है। फिर आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में आपको ड्रग पढ़नी है स्क्विल। तो दोस्तों स्क्विल आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, प्याज जिसको प्याज कहा जाता है, और उसके बाद तो दोस्तों इसके साइनोनियम हो जाएंगे स्कूल के, प्याज हो गया, जंगल प्याज हो गया। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइस ऑफ बल्ब्स ऑफ द अर्जेनिया इंडिका कंथ, जो अर्जेनिया इंडिका कंथ होता है वहाँ से इसको ऑब्टेंड किया जाता है, और फैमिली होती है लिलियेशी। और उसके बाद प्याज के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए 0.8% कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद इसमें जो है स्क्लेरेनिन ए प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनिन आपका बी प्रेजेंट होता है, और मुख्य रूप से ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं प्याज के अंदर। और इसका यूज़ कार्बिनेटिव के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यानी स्क्विल का यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं अश्वगंधा, जिसको साइनोनियम के रूप में जाना जाता है, विंटर चेरी कहा जाता है, और उसके बाद विदेनिया रूट कहा जाता है, अश्वगंध कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ विदेनिया सोमनीफेरा, जो विदेनिया सोमनीफेरा का प्लांट होता है वहाँ से अश्वगंधा को प्राप्त किया जाता है, और इसकी फैमिली हो गई सोलेनेशी, इसकी फैमिली होती है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट इसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं जिसे अश्वगंधानिन कहा जाता है, और उसके बाद इसमें स्टेरॉयडल लैक्टोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे जो है विधानोलाइड्स कहा जाता है, और उसके बाद इसमें फाइटोस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे, जैसे आपका लिखा हुआ है विधानिन मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है, सीडोट्रोपिन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और उसके बाद ट्रोपिन प्रेजेंट होते हैं, सोमनीफेरन प्रेजेंट होते हैं,
और एनाफेरिन प्रेजेंट होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में। ये आपके सब फाइटोस्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं। और इसके यूज़ क्या क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, इट इज़ यूज्ड इन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, यानी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ हाइपोटेंसिव ड्रग, यानी यह हाइपोटेंसिव ड्रग होती है। और उसके बाद स्किन डिसीज़ में प्रोवाइड एनर्जी इन द बॉडी, यानी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, मसल रिलैक्सेंट के रूप में यानी मसल को रिलैक्स करने में, सेक्स स्टिमुलेंट के रूप में, और इंसोमनिया यानी जिन पर्सन को नींद नहीं आती है तो उसको ठीक करने में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, जो होती है अश्वगंधा। फिर मिसलेनियस ड्रग में आपकी एक ड्रग और आती है तुलसी। तो दोस्तों इसके साइनोनियम क्या हैं, बिस्वा तुलसी हो गया, रामा तुलसी हो गया, ये इसके हो गए साइनोनियम। और उसके बाद इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ ओसिमम सैंकटम, ये इसका हो गया बायोलॉजिकल सोर्स। ओसिमम सैंकटम से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। और उसके बाद लेविटेई इसकी होती है फैमिली। और उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट इसमें क्या लिखा हुआ है तुलसी में, यानी इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, यूजेनॉल 70% तक प्रेजेंट होता है, कार्बेक्रोल 3% तक प्रेजेंट होता है, यूजेनॉल मिथाइल ईथर 20% प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, एल्डिहाइड, ये सब तुलसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं यूजेस के बारे में, यानी इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो दोस्तों एज ए कार्मिनेटिव, यानी कार्मिनेटिव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। स्नेक पॉइजन एंटीडोट के रूप में भी तुलसी का यूज़ किया जाता है। अगर कोई किसी को सांप काट लेता है तो उसको ट्रीट करने में भी तुलसी का यूज़ किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में। और उसके बाद दोस्तों रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर किसी को RTI हो जाता है यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो दोस्तों उसको भी ट्रीट करने में तुलसी का यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों आपकी एक लास्ट ड्रग रह गई है, आपकी मिसलेनियस में इम्पॉर्टेंट ड्रग रह गई है गुगुल। तो दोस्तों गुगुल के साइनोनियम होते हैं गम गुगुल, सेलाई गुगुल, या इसके होते हैं साइनोनियम। और उसके बाद दोस्तों इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है गुगुल कोमीफोरा मुकुल प्लांट के इंसीजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो कोमीफोरा मुकुल प्लांट होता है उसमें चीरा लगाया जाता है, उसमें इंसीजन किया जाता है, उसके बाद गुगुल को ऑब्टेंड किया जाता है। तो गुगुल को एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या लिखे हुए हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है गुगुल कंटेन गम, इसेंशियल ऑयल, स्टेरॉल्स, शुगर्स इसमें ऑब्टेंड पाया जाता है। उसके बाद अमीनो एसिड, इलेजिक एसिड इसमें प्रजेंट होता है। थेरापेटिक यूज़ क्या है, यह हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है कम करने का वर्क करता है। एस्ट्रिंजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है और एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज़ होता है, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है और टीथ डिसऑर्डर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसमें कुछ ड्रग को हमने नहीं कराया है क्योंकि भाई आपकी एग्ज़ाम के अंदर कभी पूछी नहीं जाती, इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग है उन सब ड्रग को हमने कंप्लीट किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।